आप देख रहे हैं दर्पण भारत चैनल। एक ओर जहां लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है, तो वहीं दूसरी ओर नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। इसी कड़ी में आज पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि मीसा भारती तीसरी बार पाटलिपुत्र से राजद प्रत्याशी हैं। ऐसे में वो अपने पिता राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और भाई वीरेंद्र के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची। 10 वर्षों से इस देश पे प्रधानमंत्री जी राज कर रहे हैं, देश की जनता ने उनको दो बार मौका दिया है। तो अगर उन्होंने जो काम किया होता, डेवलपमेंट किया होता, तो आज उनको कल रोड शो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो ये शो करते कि हमने कौन कौन से काम किए, वो जनता को गिनवाते, लेकिन सिर्फ आके हाथ हिला करके और मीडिया में एक न्यूज बना करके चले जाने से ना तो देश का फायदा है और ना ही बिहार का फायदा है, और ना ही उससे कोई रोजगार मिलने वाला है, ना ही उससे बिहार को कोई स्पेशल पैकेज मिलने वाला है, ना ही उससे विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला है, ना ही उससे किसानों की आय दुगनी होने वाली है। ये एक तरह से कहा जाए कि इस रोड शो से जो बिहार की जनता है उसको परेशानी ही हुई है। परेशानी तो 10 सालों से दे ही रहे थे, ऊपर से कल भी आकर के वो मतलब बिहार की जनता को परेशान करके ही गए। दर्शकों से अनुरोध है कि दर्पण भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।